पहले मामले में जो कि एक महिला को टिकट पर उसके ऑन द बैक ऑफ द टिकट उस बस कंडक्टर ने अपना नाम और अपना फोन नंबर लिख कर दिया, एक अप्रत्यक्ष रूप से गलत तरीके से, क्या मतलब था उसका इस तरीके से लिखने का, उस महिला ने अपने पति को बताया, उसके पति ने आयोग में गुहार लगाई और ट्विटर के माध्यम से भी उन्होंने इस मामले को अथॉरिटीज के संज्ञान में लाते हुए हमने महाप्रबंधक राज्य परिवहन निगम को हमने लिखा, जिस पर कि महाप्रबंधक महोदय ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसको आरोपित करते हुए उन्होंने माना कि ये महिलाओं और लड़कियों को व्यक्तिगत अपना मोबाइल नंबर देना अप्रत्यक्ष रूप से छेड़छाड़ और गलत नियत की श्रेणी में आता है, और ऐसा करके उन्होंने अपने आप को दंड और अपील नियमावली 2016 के नियमों के तहत अपने आप के उनके खिलाफ जो है बस कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरे मामले में जो रेवाड़ी में कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां जो अपने 5-6 लड़कियों को एक पुलिस वाले ने बस में चढ़ाया था और एक प्राइवेट बस थी और उनको धक्के मारकर कंडक्टर ने और बस चालक ने, इस बारे में और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी हमने इसके ऊपर संज्ञान लिया, जिस पर कि हमने उनको पत्र लिखा महाप्रबंधक महोदय को। उन्होंने बताया क्योंकि ये बस जो है निजी परिवहन समिति के अंडर आती है, तो इसलिए जो कार्रवाई बनती है वो रेवाड़ी के जो GM है RTA उनके अंडर आती है और उनको ये पत्र भेजा जाता है।